खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से, जहां पर नोनी हालों की जान का खतरा बना हुआ है। हम आपको बता दें, आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा शासन की योजनाएं अंतर्गत बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान एवं बौद्धिक विकास स्तर को बढ़ाने के लिए वार्डों में आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया था, जिससे बच्चे का प्रारंभिक ज्ञान शारीरिक ज्ञान का स्तर बेहतर हो सके। इस योजनाओं के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र शासन द्वारा बच्चों के विकास के लिए वार्डों में ही आंगनवाड़ी निर्माण कराने की पहल की गई। हम आपको बता दें, आंगनवाड़ी केंद्र तो बना है, लेकिन वहां पर भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा ऐसे भवनों का निर्माण किया गया है जो आज उन बच्चों के सुविधाओं को तो दूर की बल्कि भवन की ही उनकी असुविधा का कारण बना हुआ है। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर सुधांशु शर्मा के साथ। पाली में मैम जो आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 3 को देखा जाए, वार्ड नंबर 4 को देखा जाए, भवन अभी 2 से 3 साल पूर्व निर्माण हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। इसके लिए आपके द्वारा क्या पहल की गई है या फिर की जाएगी? हाँ, ये तो है कि फील्ड में वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर हो चुके हैं, और इस संबंध में हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित भी किया जा चुका है अग्रिम कार्रवाई के लिए, क्योंकि ये हमारे स्तर से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों को सूचना इसकी दे दी गई है, और संबद्ध कार्य भी इसमें बरसात के बाद प्रारंभ किया जा सकता है। मैडम, कई भवनों में देखा गया है कि पंखे लगे हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई, लेकिन वहाँ पे आज भी लाइट नहीं है, तो उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रावधान किया जाएगा? लाइट के लिए हमारे विभाग में ऐसा कोई फंड नहीं है अभी, तो जिले स्तर से जो MPB हैं उनसे द्वारा टाइप किया जा रहा है, और ये अगर हो जाता है तो फिर जितने केंद्रों में फिटिंग का काम हुआ है वहाँ कनेक्शन की सुविधा देने में सक्षम हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजश्री कौल, मैं आंगनवाड़ी कार्य करता हूँ। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 4 का फर्स्ट आंगनवाड़ी है। अच्छा, ये आंगनवाड़ी भवन जो आपके पीछे बना हुआ है, यहाँ पदस्थ है, इसकी स्थिति काफ़ी जर्जर दिख रही है। भवन का निर्माण कब हुआ है? इस भवन का निर्माण 2-3 साल पहले हुआ है, और मेरी ज्वाइनिंग अक्टूबर से है, तो मैं जब से आई हूँ तब से यहाँ की स्थिति ऐसी है, और कुछ ज़्यादा स्थिति खराब है। मतलब 3 साल के अंदर ही भवन गिरने की स्थिति में लग रहा है, और क्या समस्याएँ होती हैं इससे? यहाँ पानी की भी समस्या है, और कनेक्शन भी नहीं आता है बिजली। अच्छा।